हेलो क्लास सिक्स, कंटिन्यू करते हैं अपने स्टडी को और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 कंस्ट्रक्शन यूजिंग रूलर एंड अ पेयर ऑफ कंपास। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए एग्जांपल नंबर 1 को देखते हैं पहले क्या है। टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट, किसी भी लाइन सेगमेंट का आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो देखिए बाइसेक्टर क्या है, बाइसेक्टर मीन्स हाफ करना होता है, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, 90 डिग्री पे उसको क्या करना है, लाइन सेगमेंट को हाफ ऑफ में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1, एग्जांपल देखिए। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, उसका हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर का। तो चलिए ड्रॉ करते हैं 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से 5 तक मार्क कर लिया और फिर हमने ज्वाइन कर दिया। ये हो गया हमारा ए बी लाइन सेगमेंट, वो भी 5 सेंटीमीटर का। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग लेंगे कंपास। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका कंपास। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट बी पे कंपास की जो नोक पॉइंट है उसको रखेंगे और मोर देन हाफ ले लेंगे, हाफ से अधिक कितना भी लेकिन हाफ से अधिक होना चाहिए। ठीक है, मोर देन हाफ ले लेंगे। ठीक, उसके बाद उसको चेंज नहीं करेंगे, वही रहेगा सेम, बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। मोर देन हाफ लेने के बाद आप क्या करेंगे, पॉइंट बी पे, ठीक है, पहले पॉइंट ए पे रख लेते हैं। तो पॉइंट ए पे रखने के बाद हम आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, यानी लाइन सेगमेंट के ऊपर और लाइन सेगमेंट के नीचे आर्क ड्रॉ कर लेंगे जैसा दिख रहा है पॉइंट ए पे रख के। इसके बाद सेम प्रोसेस दोहराएंगे हम लोग, पॉइंट बी पे रखेंगे और प्रीवियस आर्क, पुराने वाले आर्क को कट करेंगे और यहाँ ये कट हो गया ये और ये कट हो गया ये, क्लियर। इस तरीके से हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमको एक यहाँ एक पॉइंट मिल रहा है आप देख रहे हैं और एक यहाँ पॉइंट मिल रहा है आप देख पा रहे हैं। अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे स्केल से। क्या करिएगा, ये पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, क्लियर, ज्वाइन हो गया। अब आप इसका नाम दे दीजिए। अब जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ पी क्यू, तो हम भी दे देते हैं पी और ये क्यू, और ये जो सेंटर यहाँ पॉइंट है इसका नाम देते हैं एम। ये हमारा बन के तैयार हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट ए बी का। ठीक है, ए बी का लाइन, ए बी लाइन सेगमेंट था उसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। अब इतना जो काम हमने किया है इसी को हमें राइट भी करना है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि किस तरीके से हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है उसका स्टेप लिखेंगे, हर एक स्टेप, हर एक चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने किया था लाइन सेगमेंट को ड्रॉ। तो लिखेंगे ड्रॉ लाइन सेगमेंट, कि जितने का भी किया उतना लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, इसके बाद क्या किया था हमने, ड्रॉ करने के बाद हमने रेडियस लिया था, कंपास से रेडियस लिया था मोर देन हाफ, तो वो लिखेंगे विथ ए एस सेंटर। ए को सेंटर माना था सबसे पहले पॉइंट ए पे रख के, फिर हमने ड्रॉ किया था आर्क, तो इसीलिए विथ ए एस सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ए बी ड्रॉ आर्क्स। आर्क ड्रॉ करेंगे ऊपर और नीचे बताया था, ऑन वन ईच साइड ऑफ ए बी। इसके बाद नेक्स्ट सेम प्रोसेस हमने किया था पॉइंट बी पे रख के, विथ बी एस सेंटर एंड द सेम रेडियस एज बिफोर। रेडियस चेंज नहीं होगा, वैसे ही का वैसे ही रहेगा, इसलिए लिखा सेम रेडियस एज बिफोर। ड्रॉ आर्क्स कटिंग द प्रीवियस ड्रॉन आर्क्स एट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। पिछला आर्क को कट किया, ठीक है, जैसे जैसे हमने किया वैसे वैसे बस लिखना है। इसके बाद जब कट हो गया तो हम क्या किए थे, ज्वाइन कर दिए थे। तो ज्वाइन पी क्यू मीटिंग ए बी एट एम, पी क्यू को ज्वाइन कर दीजिए, ए बी मिलेगा एम पे, देन पी एम इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो ये जो पी एम है जो हमने ड्रॉ किया, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा ए बी का। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहला एग्जाम्पल सॉल्व किए। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है टू ड्रॉ एन एंगल इक्वल टू अ गिवन एंगल। अच्छा, एक एंगल आपको दिया है, सेम बिना प्रोटेक्टर से मेजर किए आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। ड्रॉ एन एंगल इक्वल टू अ गिवन एंगल ए बी सी, ये आपका एंगल ए बी सी दिया हुआ है, अब इसी को देख के आपको ड्रॉ करना है एक दूसरा एंगल, लेकिन सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या किया, लेट ए बी सी बी एंगल, ए बी सी एक एंगल है, हम क्या करेंगे
सेम उसी का डुप्लीकेट हमें बनाना है। तो ए बी था तो हम ओ एक्स लेंगे, क्योंकि ए बी रे दिया हुआ है, ये फिगर दिया रहेगा क्योंकि हमें देख के ही बनाना है, तो इसको देखेंगे और बनाएंगे। तो बी ए या ए बी, तो हम भी क्या करेंगे, एक ले लेंगे ओ ए या ओ एक्स, ठीक है। तो चलिए लेते हैं, इसमें दिया नहीं है कितने सेंटीमीटर का है, तो आप जितने से है उतना सेंटीमीटर का आप ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो ड्रॉ करते हैं हम लोग, 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने ले लिया 0 से 5 तक, और रे है तो हमने ओ एक्स ये रे ले लिया, क्लियर। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है सेम बनाना है, तो हमने ओ ए रे ले लिया। अब इसके बाद क्या करना है, विथ बी एस सेंटर, बी को सेंटर मान के। अब देखो यहाँ पे, अब ये जितना एंगल है ना, हमको इसको मेज़र करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, कंपस ले लेंगे, ठीक है। विथ बी एस सेंटर एंड एनी रेडियस ड्रॉ एन आर कटिंग बी ए एंड बी सी एट पी क्यू। अब देखो इसका एंगल तो हमें मालूम नहीं है कितना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट बी पे रख के, पॉइंट बी पे हमने रखा और बी पी यहाँ पे ले लिया, कितना भी आप ले सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे मतलब पी के बाहर भी रख सकते हैं, जितना चाहे उतना ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा भी ले सकते हैं, अपने ऊपर, आप डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कितना आपको लेना है, मोर देन हाफ भी ले सकते हैं, ठीक। तो हमने इतना ले लिया, क्लियर। अब बी पे रख के क्या किया, बी पे रख के कट कर दिया हमने इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मान लो बी पे रख के हमने कट कर दिया, यहाँ पे पहले से बना हुआ है, इसने जितना भी लिया उससे मतलब नहीं है, आप अपने हिसाब से ले लीजिए और कट कर दीजिए। सेम, अब ये बदलेगा नहीं, यही सेम चीज़ आप क्या करेंगे, यही सेम चीज़ आप पॉइंट ओ पे रखेंगे, पॉइंट ओ पे रख दिया और ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ कर दिया, सेम, अब बदलेगा नहीं, सेम चीज़, पॉइंट ओ पे आपने रख के ड्रॉ किया, ओ एक्स को आपने यहाँ कट किया, ये हमारा पॉइंट आर मिला। अब पॉइंट आर से ध्यान से समझना, ठीक है, ले लिया हमने कंपास पे रेडियस ले लिया, मोर देन हाफ जितना भी चाहे उतना ले लिया, इसके बाद हमने क्या किया, एक आर्क ड्रॉ कर लिया। अब आर्क इस तरीके से ड्रॉ किया कि ओ एक्स रे को यहाँ कट किया पॉइंट आर पे, अब उसी रेडियस से पॉइंट आर पे रखेंगे और जो पुराना आर्क है इसको कट करेंगे, यहाँ कट हो गया, देख रहे हो इस तरीके से कट हो गया। अब जैसे ही कट होगा यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिलेगा आर, तो इसको ले लेते हैं एस। अब हम क्या करेंगे बाबू, सेम ओ एस को ज्वाइन करके एक्सटेंड कर देंगे, यहाँ ओ और एस इसको ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन हो गया। अब इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं क्योंकि रे है, तो इस वजह से हमें क्या करना है, इसको एक्सटेंड कर देंगे, ठीक, एरो यहाँ बना देंगे क्योंकि रे है, तो यहाँ एक्सटेंड कर दिया ओ एक्स और ये वाई ले लिया हमने, तो ये हमारा बन के तैयार हो गया एक एंगल, ठीक है। कोई भी एंगल दिया हो तो आपको किस तरीके से करना है, आपको तो मेजरमेंट मालूम नहीं है कि कितने डिग्री का कितने डिग्री का नहीं है, तो आपको क्या करना है, जो भी दिया हुआ है, जो भी एंगल है, कंपास लेंगे, मोर देन हाफ लेने के बाद एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, सेम रेडियस लेके आपने जो फिगर बनाया है पॉइंट ओ पे रख के, आप क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे, इसके बाद उसी रेडियस से पॉइंट आर पे रख के कट करेंगे उसी को, जो पिछला आर्क है, कट करने के बाद जहाँ कट होगा ज्वाइन करके एक्सटेंड कर देंगे, आपका बन जाएगा एंगल। अब यही चीज़ पूरा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखना है जो जो हमने किया, तो पहले वो ड्रॉ रे ड्रॉ किया है, इसके बाद फिर पॉइंट जो दिया हुआ था एंगल उसका पॉइंट बी पे रख के हमने रेडियस लिया, आर्क ड्रॉ किया, फिर इसको कट किया, फिर सेम चीज़ हमने क्या किया अपने वाले फिगर पे जो हमने ड्रॉ किया है ओ एक्स उस पर किया, इसके बाद ज्वाइन किया, वही सब सारी चीज़ें जो हैं लिखनी है जिस तरीके से एग्जाम्पल में दिया हुआ है। बस मेन है आपको ये समझना है कि किस तरीके से ये बन रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 पे, टू बाइसेक्ट गिवन एंगल। अच्छा, कोई भी एंगल अगर दिया है तो उसको कैसे बाइसेक्ट करें, तो बाइसेक्ट करने मतलब बताया मैंने कि हाफ ऑफ करना होता है, तो जो भी एंगल उसको कैसे हाफ करें, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, आगे स्केल भाई ये रहा, एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने ये एक लाइन सेगमेंट ले लिया, ठीक है, अब इसमें लाइन सेगमेंट लिया है, रे लिया, अच्छा रे लिया तो रे ले लेते हैं, ओ ए हमने रे ले लिया, ठीक, इसके बाद कितना भी डिग्री का एंगल ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है,
तो उसके लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस जो भी हमने किया इसके पहले, मोर देन हाफ या उससे कम या जैसा भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने एक रेडियस ले लिया ओ पे रख के, अब हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक। ए ये ड्रॉ कर लिया, क्लियर, ये ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा, मान लो इसको पी मान लिया। अब इसके बाद हमने क्या किया, पी पे रख के इसको कट किया, यहाँ कट गया, ठीक है, ये पॉइंट क्यू मान लिया। अब हम इसको ज्वाइन करके एक्सटेंड कर देंगे, इसको ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दिया। ये ओ था, उसको बी मान लिया, ये हो गया। अब ये हमारा एक एंगल बन गया। अब हमें इसका ही क्या करना है, इसका ही हाफ करना है, ठीक है, बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो जो हमने रेडियस लिया हुआ था वही सेम रेडियस रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं, एक बार जो ले लिया वो है। अब क्या करेंगे, पॉइंट पी पे रख के हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक। पॉइंट पी पे रख के आर्क ड्रॉ किया, फिर सेम चीज पॉइंट क्यू पे रखेंगे, ठीक, पॉइंट क्यू पे रख के फिर जो प्रीवियस आर्क है उसको कट करेंगे, ये कट हो गया। पी पे रखा, ड्रॉ किया और क्यू पे रख के कट कर दिया। अब यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिलेगा, इसका नाम मान लिया हमने आर है। अब हम क्या करेंगे, ओ से आर को ज्वाइन करके एक्सटेंड कर देते हैं, ओ से आर को ज्वाइन कर देते हैं और इसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये जो ज्वाइन हुआ, ये जो फिगर बना है, यही आपका क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अरे बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर नहीं, बाइसेक्टर हुआ। यानी ये जो एंगल है इसका हमने क्या किया, बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो किस तरीके से आपने एक एंगल बनाया, एंगल बनाने के बाद रेडियस सेम है, रेडियस में कोई चेंज नहीं, उसी रेडियस से क्या करेंगे, पॉइंट पी पे रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर उसी आर्क को आप कट करेंगे पॉइंट क्यू पे रख के, जहाँ कट होगा उस आर्क को ज्वाइन कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा बाइसेक्टर, एंगल का बाइसेक्टर। तो किसी भी एंगल को इस तरीके से हम बाइसेक्ट करते हैं, हाफ ऑफ करते हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं, क्या है भाई, टू ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इट। अच्छा, कह रहा है कि एक लाइन है, अगर लाइन सेगमेंट या लाइन है, उस पर आपको एक पॉइंट दे दिया कहीं पर भी, ठीक है, कहीं पर भी एक पॉइंट दे दिया, तो आपको क्या करना है, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक। चलो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, लाइन सेगमेंट, लाइन जो भी, तो हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले एक लाइन, ठीक है, ये हमने ले लिया एक लाइन, ठीक। अब हम लोग फिगर के हिसाब से ही ड्रॉ कर रहे हैं, ताकि स्टेटमेंट जो आप लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, उसमें कोई चेंज ना हो, ठीक है। तो हमने रे ले लिया, जिस हिसाब से लिया हुआ है, तो हमने रे ले लिया, ठीक, ये हमने माना x है, ये है y। अब इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद एक पॉइंट P कहीं पे भी, समझ रहे हैं ना, कहीं पे भी दे सकता है। तो मान लो हमने यहाँ ले लिया या यहाँ ले लिया, कहीं भी ले, ये लो यहीं ले लेते हैं, ठीक है, कहीं पे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी ले लो। पॉइंट P हमने यहाँ ले लिया, अब ड्रॉ कैसे करेंगे, अब देखिए भाई, अब लीजिए कंपस और पॉइंट P पे रख दीजिए, पॉइंट P पे रख लिया, थोड़ा सा इसका जो है रेडियस कम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने रेडियस कम कर लिया, रेडियस कम कर लिया, ठीक। अब पॉइंट पी पे रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो, सेमी सर्कल इस तरीके से ड्रॉ कर लो, पॉइंट पी पे रख के हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब इसका नाम हमने दे दिया ए और इसका नाम दे दिया हमने बी, ध्यान से समझते रहना, ठीक है। इसमें रेडियस कोई नापना नहीं है कि हम इतना ही लेंगे, बस अपने हिसाब से जो लेना उसको चेंज मत करना। अब इसके बाद सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया, अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ए पे रखेंगे, पॉइंट ए पे रखेंगे, सेम रेडियस, रेडियस कोई चेंज नहीं होगा, ए पे रख के कट करेंगे, सेमी सर्कल को एक यहाँ कट कर दिया, कट कर दिया। सेम पॉइंट बी पे रखिए, पॉइंट बी पे रख के कट करिए, कट हो गया, सेमी सर्कल को ही कट कर रहे हैं, देखिए पॉइंट ए पे रखा यहाँ कट किया, पॉइंट बी पे रखा यहाँ कट किया, क्लियर। अब यहाँ पे ये मान लीजिए हमको ये पॉइंट पी मिल गया, ये पॉइंट क्यू मिल गया। अब आपको क्या करना है, सेम चीज पॉइंट पी पे रखिए, पॉइंट पी पे रखिए और यहाँ पे एक ऐसे आर्क ड्रॉ कर लिया,
कर लिया। फिर सेम प्रोसेस, वही काम, पॉइंट क्यू पे रखेंगे और प्रीवियस आर्क को कट कर देंगे। और ये हमने कट कर दिया प्रीवियस आर्क को। अब बाबू यहाँ कट हुआ है पी क्यू, इसको मान लेते हैं आर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अच्छा पी तो हमने ले लिया है, इसको एस मान लेते हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, पी आर को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दिया, ठीक। तो ये हमारा बन गया परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। क्योंकि कहीं पे भी अगर आपको एक पॉइंट दे दे लाइन पे या लाइन सेगमेंट पे, तो आप किस तरीके से उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो इस तरीके, सबसे पहले उस पॉइंट पे जाएंगे, ठीक है, उस पॉइंट को सेंटर मानेंगे, सेंटर मानने के बाद सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्कल जब ड्रॉ हो जाएगा, फिर पॉइंट ए पे रख के कट करेंगे, पॉइंट बी पे रख के कट करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ दो पॉइंट मिलेगा, इस पे रख के आप आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर इस पे रख के फिर प्रीवियस आर्क को कट करेंगे। तो जहाँ कट होगा उसको ज्वाइन कर देंगे, ये आपका बन जाएगा परपेंडिकुलर किसी भी गिवन पॉइंट पे। आगे बढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल पांचवा देखते हैं। ये जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, जैसा जैसा आप करेंगे वैसा वैसा आप लिखेंगे। फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं, टू ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। अच्छा, अब आपको करना है परपेंडिकुलर ड्रॉ, लेकिन एक पॉइंट पी जो कि लाइन के बाहर है, आउटसाइड है, उस पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो देखिए भाई, इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था, इसके पहले हमने लाइन पे था तो हमने ड्रॉ किया, लेकिन अब लाइन पे नहीं है, बाहर है, तो बाहर है तो कैसे फिर ड्रॉ करेंगे, तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, ठीक है, सबसे पहला काम यही करते हैं। यही ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ ले लिया एक लाइन सेगमेंट, ठीक है, इसका नाम क्या दिया भाई, एक्स वाई, अच्छा लाइन लिया है तो लाइन ले लिया हमने, और इसका नाम दे दिया हमने एक्स वाई। तो ये है एक्स और ये है वाई। अब इसके बाद पी जो है, देखिए पी ध्यान से देखिएगा, आउटसाइड है, तो आप आउटसाइड में कहीं पे भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यहाँ बीच में दिया तो आप बीच में लीजिए, कहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम भी पी को यहाँ ले लेते हैं, ये रहा हमारा पॉइंट पी आउटसाइड, ठीक, पी हमारा आउटसाइड हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ना, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री ड्रॉ करना है पॉइंट पी से, स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग क्या करेंगे, जिस जैसे पहले किए थे, ठीक है, सेम प्रोसेस वही दोहराएंगे यहाँ पे, लेकिन कैसे होगा तो अब ध्यान से देखिएगा एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट पी का आउटसाइड ले लिया, इसके बाद पी को सेंटर मान के एक रेडियस, कन्वीनियंट रेडियस ले लेंगे, ठीक है, मतलब अपने हिसाब से कन्वीनियंट रेडियस ले लेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि एक्स वाई को कट करेगा। तो चलिए पी को सेंटर मानते हैं और एक रेडियस लेके ड्रॉ करते हैं, पॉइंट पी को सेंटर मान लिया, और इस तरीके से रेडियस लेना कि थोड़ा सा लाइन के जो है तुम्हारे बाहर जाए, ठीक है, ताकि ये लाइन को कट कर सके। तो मान लो हमने ये ले लिया इतना, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट पी को सेंटर मानेंगे और पी को सेंटर मानने के बाद ड्रॉ कर लेंगे, ये तो बाहर जा रहा है, अब ठीक है, यहाँ, ठीक है, बाहर जा रहा था ना, तो अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ ले लिया, अब जो है ड्रॉ कर लिया, तरीके से ड्रॉ कर लिया, ठीक, इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। अब देखिए यही पॉइंट पी पे, उसके पहले भी किया था, पॉइंट पी पे रख के, ठीक है, अभी भी करेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे ताकि एक्स वाई लाइन को कट कर सके। तो अब देखो, एक यहाँ कट किया है और एक यहाँ पॉइंट ए पॉइंट पे कट किया है। अब इस पॉइंट का नाम क्या दिया है, ए बी नाम दिया है, तो हम भी ए बी दे देते हैं, ये भी देते हैं ताकि लिखने में आसानी हो, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कोई दिक्कत ना हो, कन्फ्यूजन ना हो। आप ऐसे कुछ भी ले सकते हैं, जो लेंगे आप उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन में राइट करेंगे। अब सेम प्रोसेस करेंगे, जैसा कि पॉइंट ए पे रखेंगे, फिर पॉइंट बी पे रखेंगे उतना ही रेडियस और लेके कट कर देंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, सेम रेडियस बदलेगा नहीं, वही रहेगा, पॉइंट ए पे रखेंगे, ठीक है, कॉपी को थोड़ा रिवर्स कर लेते हैं, पॉइंट ए पे रख लिया और एक आर्क ड्रॉ कर लिया, ठीक, फिर सेम पॉइंट बी पे रखें, उस आर्क को कट कर देंगे,
क्लियर है, बात समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, अब देखो भाई इस तरीके से तुम्हारा बन जाएगा। हमने क्या किया, पॉइंट पी को सेंटर मान के एक रेडियस लिया, और इस तरीके से रेडियस लिया कि हम एक्स वाई लाइन को कट कर सकें। तो हमने रेडियस लिया, कट किया पॉइंट ए पॉइंट बी पे, कट किया सेम रेडियस, रेडियस नहीं बदलेगा बिल्कुल भी, उसी रेडियस से हम क्या करेंगे पॉइंट ए पे रखेंगे, ठीक है, पॉइंट ए को सेंटर मानेंगे और फिर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, पॉइंट बी को सेंटर मानेंगे और प्रीवियस आर्क को, पुराने वाले आर्क को कट कर देंगे, कट कर दिया। अब यहाँ जो कट हुआ है ये पॉइंट, अब इस पॉइंट से पी को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि हमें एक्स वाई लाइन पे पी आउटसाइड पॉइंट है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये हो गया हमारा ज्वाइन, और ये नीचे का डॉटेड लाइन कर देंगे, क्योंकि नीचे से तो हमें कोई मतलब है नहीं, हमें तो सिर्फ ऊपर का मतलब है, ऊपर चाहिए था। तो हमने ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर पॉइंट पी जो कि आउटसाइड था लाइन ए बी के, और जैसे जैसा हमने किया है वैसे वैसे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में राइट करेंगे, ठीक है। पी को सेंटर मान के कन्वीनियंट रेडियस ले लेंगे, फिर ए एस सेंटर ग्रेटर दैन हाफ ए बी, वही जो आप लिए हैं वही रेडियस लेके करिए, कोई दिक्कत नहीं, तो भी एकदम परफेक्ट और करेक्ट आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 पे, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है देखा जाए, इसमें है टू ड्रॉ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन थ्रू अ पॉइंट आउटसाइड इट। अब देखिए ध्यान से, टू ड्रॉ लाइन पैरेलल, आपको क्या करना है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है टू अ गिवन लाइन, ठीक है। एक लाइन गिवन है, उस लाइन के पैरेलल एक पॉइंट पी दिया हुआ है, ठीक है, मतलब पॉइंट पी दिया हुआ है, उस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि पुराने वाले लाइन के क्या हो, पैरेलल हो। चलिए देखते हैं कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सबसे पहला काम यही करते हैं, तो लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक्स वाई रे लिया, लाइन लाइन लिया है, तो एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। तो हमने ये ले लिया एक्स वाई लाइन, हमने ले लिया एक्स वाई लाइन। अब इसके बाद एक पॉइंट पी है जो कि बाहर है, तो पॉइंट पी ले लेते हैं। तो मान लो हमने ले लिया यहाँ पे पॉइंट पी, ठीक, ये हमने लिया पॉइंट पी। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट पी से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो कि एक्स वाई लाइन के क्या हो, बिल्कुल पैरेलल हो। तो चलिए देखते हैं ध्यान से, अब ले लेते हैं अपने कंपास को भाई। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपास ले लिया, ठीक। अब देखते हैं, एक पॉइंट क्यू जो है हम लोग एक्स वाई लाइन पे ले लेते हैं, ठीक है, कहीं पे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम यहाँ लेते हैं तो भी ठीक है, यहाँ लेते हैं तो भी ठीक है, कहीं पे भी एक ले लेते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो एंगल बनेगा सेम एंगल हमें पी पे ही करना होगा। तो चलो हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट क्यू को ले लिया, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट क्यू को लेने के बाद हम क्यू पी को ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि हमें तो एंगल मालूम नहीं है कितना है, तो हम क्या करेंगे इसको ज्वाइन कर देंगे। पॉइंट क्यू लेने के बाद क्यू पी को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, रोटेट से भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझिए, अब पॉइंट पी और क्यू को हमने ज्वाइन कर दिया है, अब हम लोग क्या करेंगे, कंपास लेंगे, ध्यान से देखिए, पॉइंट क्यू पे रख दिया हमने, और अपने हिसाब से हम लोग रेडियस ले लेंगे, कन्वीनियंट रेडियस, रेडियस ले लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे एंगल हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक, ड्रॉ कर दिया, सेम एंगल जो है हम क्या करेंगे पॉइंट पी पे रखेंगे, पॉइंट पी को सेंटर मानेंगे, और सेम जो है पॉइंट पी पे रख दिया, और ये हमने इस तरीके से एक आर्क ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ड्रॉ कर लिया। अब देखिए यहाँ पे ये कट हुआ है, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हुआ है, इस पॉइंट पे कट हुआ है। अब ये जो पॉइंट है बाबू, इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को सेंटर मानेंगे और इस आर्क को कट कर देंगे, क्या कर देंगे, इस आर्क को कट कर देंगे। अब ये
जो है कट हो गया कहाँ पे, ये रहा कट हुआ है यहाँ पे। अब क्या करना है, यहाँ एक पॉइंट मिल गया जिसको कि हमने R कहा। अब इसको ज्वाइन कर देंगे, जो ये पी आर है इसको ज्वाइन कर देंगे और एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, ज्वाइन करके एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक, ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दिया ये आगे तक और ये भी आगे तक, ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दिया और ये हमारा ड्रॉ हो गया पैरेलल लाइन, ठीक है। एक गिवन लाइन है उसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया पॉइंट पी के थ्रू। तो एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद पॉइंट पी आउटसाइड ले लीजिए, कहीं पे भी आउटसाइड पॉइंट ले लीजिए। इसके बाद हमें क्या करना है, एक पॉइंट क्यू लीजिए, ठीक है, लाइन पे पॉइंट क्यू लीजिए लाइन पे। तो हमने क्यू ले लिया, कहीं पे भी ले सकते हो, कहीं पे भी। तो हमने यहाँ ले लिया, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, कहीं पे भी ले लो। इसके बाद क्या करना है, कंपास लेके कन्वीनियंट रेडियस लेंगे और पॉइंट क्यू को सेंटर मान के हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक, जो कि पी क्यू लाइन को कट करेगा। तो मान लो पी क्यू लाइन को यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है, इस पॉइंट का नाम हमने ओ दे दिया मान लो, ठीक, इस पॉइंट का नाम हमने ओ दे दिया और ओ पे कट कर दिया। अब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस हम करेंगे पॉइंट पी से, पॉइंट पी को हम मानेंगे सेंटर और इसके बाद ड्रॉ करेंगे आर्क, आर्क ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद ये जो पी क्यू लाइन जहाँ पे कट हुआ था पॉइंट ओ पे, ओ को सेंटर मानेंगे और प्रीवियस आर्क यानी जो हमने आर्क ड्रॉ किया है पॉइंट पी से उसको कट करेंगे, कट कर दिया पॉइंट आर पे, कट हो के पॉइंट आर मिल गया। अब हम इसी पॉइंट को और पी को क्या करेंगे, ज्वाइन करके एक्सटेंड कर देंगे, तो हमारा एक पैरेलल लाइन मिल जाएगा गिवन लाइन के, ठीक है, जो भी गिवन लाइन है उसके पैरेलल हमें एक लाइन मिल जाएगा और बन जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने 6 एग्जांपल सॉल्व किए हैं। तो आपको भी यही 6 एग्जांपल पहले कॉपी में सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पे एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।